भाई यार एक फोन लेना है यार। ये 5S चलाते चलाते यार मैं 3 साल से बोर हो गया हूँ। अब नहीं भाई, अब नहीं। भाई तो एक काम क्यों नहीं करता है तू? टाइम निकाल के मर क्यों नहीं जाता है? भाई वो साथ में लैपटॉप रखा है, ऑन करके डिस्प्ले में से खींच के बाहर निकाल ले। क्या पता 512 GB वाला ही निकल जाए स्क्रीन गार्ड के साथ। अबे हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है। रुक, अबे यार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे खींचने से फोन बाहर आ जाता है। मैं 3 साल से नए फोन की वेट कर रहा था, पहले ले लेता यार मैं। अबे यार ये खुलता कैसे? अबे गंदी शक्ल बता रहा है। अबे फेस लो। अच्छा ऐसे, कोई नहीं, शक्ल तो गंदी है ही। अबे गला सूख गया मेरा इतने टाइम से यार, मैं पानी पी के आता हूँ। अबे फोन कहाँ गया? वे यार मतलब सपनों में भी धोखे। चल तो भाई तू फिर एक मेरी स्टोरी सुन। हाँ सुन रहा हूँ, बोलता रह साले। ये स्टोरी शुरू होती है आज से 5 दिन पहले। 5 दिन पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं टेनिस मैक्स लेने जा रहा था। या तो अपन जा रहे हैं जरा लाजपत नगर, और क्या खरीदने जा रहे हैं यार? वो जरा सीक्रेट है भाई, तो वो बताना नहीं है। ठीक, बताना बताना वो भी बताएंगे, वहां जाके बताएंगे। तो हम फिर पार्किंग से बाहर निकलते हैं टशन में। वॉल्यूम ज्यादा हो गई थी ना, चलो धीरे कर दी मैंने। तो सोनी का कैमरा खरीदने के बाद सुपर स्लो मोशन 120 FPS मैंने नहीं करा, तो फिर हम दिल्ली वाले रहे क्यों, ये बताओ। हम 3 लौंडे नौजवान लाजपत नगर की मार्केट में, भाई दिल्ली वाला है घूमेंगे नहीं, तो बहुत सारी मार्केट में घूमे। और हाँ एक सेकेंड, इस क्लिप में आवाज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि माइक का पोर्ट ढंग से लगा नहीं था। मेरी गलती नहीं थी, वो लक्ष्मण जी की गलती थी, जो कि पीछे से बाइक पे बैठे हुए जब शॉट ले रहे थे तो उन्होंने माइक का पोर्ट जैक से निकाल दिया बाहर, और मैंने भी चेक नहीं करा। स्टोरी कंटिन्यूज़। चलते हुए जा रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी दुकानों में घूमने के बाद, क्योंकि जो पेमेंट है वो हमारे लक्ष्मण जी के कार्ड से होती, और उस पर लिमिट ख़त्म हो गई थी। थोड़ी बेइज्जती हुई। हाँ मेरी थोड़ी हुई, हमारे लक्ष्मण जी की हुई। कोई नहीं, पर दिल्ली के नौजवान हैं, चलता रहता ऊपर नीचे। तो इतनी सारी रुकावटों के बाद आते हैं हम 5 दिन बाद संडे को। सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ। तो प्लान थोड़ा मैंने चेंज कर लिया था कि टेनिस मैक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 99,000 का हो रहा था। मैंने कहा iPhone X ले लेते हैं, वो 70,000 के अराउंड था। तो सुबह उठता हूँ मैं, चल के आता हूँ फिर टेशन में। दिल्ली का लड़का ऑलवेज। निकालते हैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक फिर। अरे मतलब अपनी अपाची 180 यार, पर ये स्पोर्ट्स बाइक है दिल्ली की। फिर पहुंचते हैं अपन लोग शॉप पर, फिर लाजपत नगर में घुस गए। तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, अनबॉक्सिंग। तो देखो फिर।
खोल ले खोल ले। कितने कितने गए? 70,000। क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। एयरपोड्स अच्छा नहीं, एयरपोड्स लिए हैं, गाली आ जाएंगी, चार्जर और इसका केबल, एयरपोड्स तो लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने लिया आईफोन एक्स एक्स ए ई ई एक्स 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 और आईफोन एक्स, तो सिल्वर कलर का लिया, 64 GB। क्या फ़ोन है यार, मतलब आईफोन 5S के बाद आईफोन एक्स पे स्विच करना यार, मतलब तो भैया फ़ोन ले लिया आईफोन एक्स 64 GB सिल्वर कलर में, और उसके साथ साथ हमें मिला है एक कवर मिला है, और बैक कवर जो ट्रांसपेरेंट होता है, एंड एक टेम्पर्ड मिला है। तो अभी सिम विम डल रही है, फिर देखते हैं क्या चलता है। और यार इसके अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो वहाँ आईफोन 11 रखा हुआ था यार, वो LCD पैनल डिस्प्ले यार, उसको मैंने जब साथ में रखा ना, XR की भी रखा, और XR तो मैं 11 के जब साथ रखा, तो यार क्या डिफरेंस था, मतलब शार्पनेस जो है ना आईफोन एक्स में, वो OLED पता नहीं क्या है, OLED या OLED डिस्प्ले है आईफोन एक्स में यार। और हाँ स्पेक्स मेरे को नहीं पता, अभी तक मेरे को नहीं पता मेरे फ़ोन में कितना मेगा पिक्सल कैमरा है, तो मैं बस ये पता है कि A10 A11 चिप है हाँ, तो बस क्योंकि मैं स्पेक्स अब इतना नहीं रहा टेकी, स्कूल टाइम में हो था बट अब नहीं हो, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जो पसंद आया वो ले लिया। हाँ तो भैया दुल्हन घर आ गई है, बैक कवर के साथ है वो ट्रांसपेरेंट। चश्मा दे भाई इधर, मैं चश्मा दे ले ले। नौच वाले हो गए अब हम, तो ये डब्बा यार इसका आईफोन एक्स 64 GB सिल्वर कलर, इसके अंदर क्या क्या मिला है यार वो भी तुम्हें पता ही है क्या क्या होते हैं। एक कनेक्टर मिला है इसके साथ जो अब 10S में नहीं आ रहा है, 11 प्रो मैक्स में भी नहीं आ रहा, और ये एयरफोन्स इसके मैं यूज़ करता नहीं हूँ। तो भाई अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई साहब आईफोन 5S के बाद ये ना मेरा आईफोन 5S इधर, ये भी वाइट कलर में लिया था मैंने, एंड ये भी मैंने वाइट में ही लिया, तो देख लो अगर मैं इसका बैक कवर हटा दूँ तो ये देखो भाई कितना डिफरेंस है। अब मैं इसकी लाइट अगर जलाऊँ, मतलब यार ये पूरी डिस्प्ले जो है ना, मतलब ऑसम। तो कितने का लिया ये, मेरे को पड़ गया भाई 70,000 का, 64 GB सिल्वर कलर। सिल्वर कलर मिलता नहीं है इतनी आसानी से, तो पबजी चल रही हैं और Asphalt 9 मैंने डाउनलोड करा था, तो गेम्स खेलता नहीं है बट नया फ़ोन आता है तो वाई नॉट। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाऊं, लाइक कि शुड यू बाय फोन एक्स इन 2019 लेट 2019, तो इस वीडियो पे पता है मैं आ गया ना हाँ, तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स, 500 पिछली बार बोले तो तुमने 4,000 लाइक्स करवा दिए, तो इस बार मैं 1,000 बोल रहा हूँ, शायद 2,000, चलो यार 1,000 तुम कराओ ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट खरीद लिया है, नॉच वाले हो गए अब हम, नॉच वाले साला चोर बाजार से लेके आया 250 रुपये में। भाई आईफोन 11 क्यों नहीं लिया, 5,000 सस्ता पड़ जाता, A13 चिप है उसमें, XR ले लेते, A12 आती है उसमें, तुमने A11 A10 चिप है इसके अंदर। तो भैया अगर मेरे को स्पेक्स के पीछे ही जाना होता तो मैं शायद OnePlus 7 Pro ले लेता ठीक है, तो मेरे को जो पसंद आता है मैं वही ख़रीदता हूँ, सोच समझ के ख़रीदता हूँ, और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ों में भाई मैं स्पेक्स देखूँ, चॉइस का भी होता है। इसके अंदर बेजल्स अच्छी हैं और डिज़ाइन अच्छा है इसका, बस पसंद आया वो चीज़ लेता हूँ मैं। बाकी यार तुम बोलो कि यार हाँ 11 प्रो मैक्स ले लेते अच्छी लेनी थी, तो भैया फिर बजट होता है ना, बजट में अच्छी चीज़ लेना वो मैटर करता है। 1,000 लाइक्स करे
कर दिए ठीक है इस बार। हाँ ठीक है।